व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग एंड हाउ कैन यू डू फॉर योरसेल्फ। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है और आप खुद के लिए कैसे बना सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको 7 स्टेप ऐसे दूंगा जिसका मदद से आप खुद का एक बेहतर पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग आज हर किसी को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, इस वीडियो का अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, अमेरिकन बिजनेस टाइकन जेफ बेजोस, जो कि अमेजन का फाउंडर है, वो ये कहते हैं, योर ब्रांड इज दैट व्हाट पीपल टॉक अबाउट व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। फ्रेंड, ये जो ब्रांडिंग वर्ड, ये पहले से बिजनेस के लिए रिजर्व रह रहा था, लेकिन जब से गिग इकोनॉमी एंड सोशल साइड का डेवलप होना शुरू हुआ, तब से ये बहुत कॉमन हो गया। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग क्या है और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए। तो चलिए, छोटा सा इंट्रो का साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड, आपका इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में टाइम स्टैम्प मैं ऐड कर दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई भी पार्ट को रिवाइज करके देखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प का यूज कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड, माय नेम इज चंदन एंड वेलकम टू CS क्रिएटिव लर्निंग। फ्रेंड, अगर CS क्रिएटिव लर्निंग के बारे में आपको पता नहीं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में हम पर्सनल ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट लेके आते हैं। अगर आप एक कोच, कंसल्टेंट, ट्रेनर है, तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कैसे एक कोच, कंसल्टेंट, ट्रेनर अपना डिजिटल स्ट्रेटेजी बना सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है और डिजिटल प्रेजेंस से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है। तो फ्रेंड, चलिए आते हैं हमारा पॉइंट पे। पर्सनल ब्रांडिंग को छोटा सा एग्जांपल का साथ समझते हैं। अगर आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो आप किसी से सलाह लेंगे। डेफिनेटली आपका जो दोस्त, कलीग या फ्रेंड, नेबर जो भी होगा, जिनको मोबाइल के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपको ऐसे एक लैपटॉप भी खरीदना है, तो जिनको लैपटॉप के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, आपका फ्रेंड हो गया, आपका नेबर हो गया, या आपका कलीग जिनका पास ज़्यादा नॉलेज है, उनसे ही आप सलाह लेंगे। ना कि डेल या लेनोवो स्टोर में जाके पूछेंगे कि मेरे को लैपटॉप लेना है, मैं कौन सा लैपटॉप लूँगा। ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी से बताते हैं कि हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं हमारा फ्रेंड, फैमिली मेम्बर के साथ, जो उसी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो इसी तरह फ्रेंड, आप ढूंढिए कि आपके पास ऐसे क्या स्किल, टैलेंट, एक्सपर्टाइज, नॉलेज है, जिनके वजह से आप जाने जाते हो। व्हाट जब आर यू नो फॉर, अगर उसी को आप ढूंढ लेते हैं, तो वो स्किल को लीजिए और आपका एक्सपीरियंस डालिए, दोनों को मिला के जो दुनिया आपको जानता है, उसी के वजह से उसी को हम पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं। अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग का डेफिनेशन निकले, तो पर्सनल ब्रांडिंग इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्किल एंड एक्सपीरियंस दैट मेक यू हु यू आर। ये प्रेजेंट करता है ये दुनिया को कि आप कौन है, आप किसी के वजह से जाना जाते हैं। अगर आप 3 Idiots मूवी देखा होगा, तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आया होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। अगर आपने नहीं देखा है, तो जाके तुरंत डेफिनेटली देख लीजिए। 3 Idiots एक बहुत अच्छा फिल्म है, मैं लगभग 2 से 3 बार देखा हूँ। तो फ्रेंड, चलिए हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। अगर आपका पर्सनल ब्रांडिंग इफेक्टिव है, तो ये डिफ्रेंशिएट करता है आपका कंपिटिटर से, और आपका जो एम्प्लॉयर और आपका जो क्लाइंट है, इसी को मदद करता है आपको हायर करने में, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए 7 स्टेप है। अगर आप कम्प्लीटली ब्रांड न्यू है, तो भी आप ये 7 स्टेप को फॉलो करके पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पहले नंबर पे आता है डिफाइन योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है, आपको आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज ढूंढ लेना चाहिए। कैसे, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी का अंदर आप ज़्यादा डीप में जाइए, आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज को ढूंढ लीजिए। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। हम देखते हैं डॉक्टर बहुत सारा होते हैं, लेकिन उनमें से जो डेंटल डॉक्टर होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो यूनिक होते हैं। अगर उसी का अंदर फिर डीप जाएंगे, तो ऑर्थोडेंटिस्ट एक होते हैं, जो मदद करते हैं डेंटल इक्विपमेंट फिक्स करने में, और उनका बहुत डीप वर्क होता है। तो फ्रेंड, ऐसे हम बोलते हैं कि आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज ये है। अगर आप इसी को डिफाइन कर लिए, तो
आप पर्सनल ब्रांडिंग का पहले स्टेप कंप्लीट कर लिए। तो सेकंड स्टेप है क्राफ्ट योर ब्रांड विजन। फ्रेंड, क्राफ्ट योर ब्रांड विजन का मतलब आपका जो विजन है उसी को क्राफ्ट कीजिए, उसी को कोशिश कीजिए प्रेजेंट टेंस में लिखने के लिए एक लाइन या दो लाइन का अंदर। अगर आप मेरे को मेरा ब्रांड विजन के बारे में पूछेंगे तो मैं ऐसे बताऊंगा कि आई एम ए डिजिटल इकोसिस्टम स्पेशलिस्ट, आई एम हेल्पिंग कोचेस टू जनरेट लीड्स थ्रू ऑटोमेशन, दिस इज माई ब्रांड विजन। आप ऐसे भी आपका ब्रांड विजन को फिक्स कर सकते हैं। अगर आप ये दो नंबर पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो चलते हैं हम तीन नंबर पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट थ्री में फ्रेंड आपको आपका ऑडियंस डिफाइन कर लेना चाहिए। आपका ऑडियंस जितना नैरो होगा उतने डीपली आप उनको स्टडी करके आपका प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बना सकते हैं। बिलीव मी, इन स्टार्टिंग पीरियड अगर आप डीप ऑडियंस का साथ काम करते हैं तो आप उनका पेन पॉइंट को समझ सकते हैं और उनको बेहतर सर्विस दे सकते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, अगर आप किसी भी एक फील्ड में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो वो रिफ्लेक्ट होगा आपका लाइफ का अंदर। इसलिए आप ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट मत कीजिए स्टार्टिंग फेज में। स्टार्टिंग फेज में एक या दो सेगमेंट का ऑडियंस को टारगेट कीजिए और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जब उसी में आप एक्सपर्टाइज बन जाते हैं तो आप बाद में ऑडियंस के सेगमेंट को ब्रॉड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चार नंबर पॉइंट है डेवलप ए कंसिस्टेंसी मैसेज। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रहते हैं आपका मैसेज में तो लोग क्रेडिबिलिटी नहीं देख पाएंगे आपका अंदर, और पर्सनल ब्रांड में क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली एक मैसेज को लंबे समय तक फॉलो करके चलते हैं तो आने वाले टाइम में लोग आपके लिए दीवाना हो जाएंगे। आपका प्रोडक्ट या आपका यूनिकनेस को देख के लोग तुरंत आपका साथ जुड़ जाएंगे। वही लोग जुड़ेंगे जिनको ज़रूरत है, लेकिन आपका कंसिस्टेंसी पक्का होना चाहिए आपका मैसेज में। तो फ्रेंड, नंबर फाइव पॉइंट का अगर हम बात करेंगे तो नंबर फाइव पॉइंट है बी ऑथेंटिक। आपका पर्सनल ब्रांड आपका पर्सोना नहीं है या आपका सिस्टम नहीं है, आप खुद है। तो इसीलिए आप जेन्युइन रुकिए, जैसे कि वो लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं अदर से आपको, क्योंकि दुनिया में हर किसी का पास यूनिकनेस है। मैं जैसे बोलता हूँ शायद आप मेरे से बेहतर बोलते होगे, मैं जैसे करता हूँ शायद आप मेरे से बेहतर करते होगे, लेकिन मेरा पास भी ऐसे कुछ यूनिक स्किल है जो आप उसी में इतना बेहतर नहीं होंगे। तो इसलिए आपका जो यूनिक स्किल को ढूंढिए और स्किल है उसी में आप ऑथेंटिकेट रुकिए। बी ऑथेंटिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनल ब्रांडिंग। फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नंबर सिक्स पॉइंट की तरफ। सिक्स पॉइंट ये है कि क्रिएट योर ओन वेबसाइट। फ्रेंड, ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, आपका खुद का वेबसाइट रहना चाहिए। अगर आपके पास खुद का वेबसाइट नहीं है तो आप पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में सोचिए मत, क्योंकि आज इंटरनेट इतने तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो आपका वेबसाइट जो है वो एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्यों एक वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। आज सिर्फ इस वीडियो में ये बता दे रहा हूँ कि आपका खुद का एक वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अगर फ्रेंड हम पॉइंट सेवन का तरफ बढ़ेंगे तो फ्रेंड पॉइंट नंबर सेवन है बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं बना रहे तो पर्सनल ब्रांडिंग को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत लोग हैं। लगभग 5.4 बिलियन पीपल आर यूजिंग इंटरनेट और उनमें से 4.2 बिलियन पीपल आर यूजिंग सोशल नेटवर्क। सो आपको सोशल मीडिया में प्रेजेंट होना डेफिनेटली जरूरी है। तो फ्रेंड, ये था सेवन स्टेप फॉर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। तो फ्रेंड, चलिए इसको समराइज कर लेते हैं। नंबर वन में डिफाइन योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। खुद का जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है उसी को आपको अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्राफ्ट योर ब्रांड विजन। आपका ब्रांड विजन को आपको अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए, क्राफ्ट करना चाहिए, जैसे लोग रेजोनेट कर सकते हैं आपका ब्रांड विजन के साथ। तीसरे नंबर पे टारगेट योर ऑडियंस, डिफाइन योर टारगेटेड ऑडियंस। आपका टारगेटेड ऑडियंस कंप्लीटली डिफाइन होना चाहिए, तभी जाके लोग आपका साथ जुड़ सकते हैं और आप पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हैं। फ्रेंड, नंबर फोर पे कंसिस्टेंसी ऑन योर मैसेज। आपका मैसेज के साथ आप कंसिस्टेंसी में रुकिए। नंबर फाइव पे बी ऑथेंटिक। आप अगर ऑथेंटिक नहीं रहते हैं तो पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। नंबर सिक्स में आप खुद का वेबसाइट बना लेना चाहिए, क्रिएट योर ओन वेबसाइट। और नंबर सेवन पे प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन सोशल नेटवर्क, इन सोशल मीडिया। आप खुद का सोशल प्रेजेंटेशन
बना लेना चाहिए। तो फ्रेंड ये था कुछ 7 पॉइंट। अगर फ्रेंड आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक करके आपका फ्रेंड और फैमिली का साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि पर्सनल ब्रांड कितने इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कैसे ज़्यादा अर्निंग कर सके और उसी के लिए ऑथेंटिकेट वे क्या है और उसी के लिए जेन्यून वे क्या है, तो आप यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो को जाके देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं कम्प्लीटली बता दिया कैसे एक बिगेनर जिनको इंटरनेट के बारे में ABCD भी नहीं पता है तो वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं, उसी का ऑनलाइन अर्निंग का लॉजिक क्या है, यहाँ पर मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, टिल देन बाय बाय।